द बाइबल इज गॉड्स वॉइस टू अस और ये पवित्र बाइबल परमेश्वर का आवाज या परमेश्वर की वाणी है हमारे लिए कैरिंग हिस मैसेज उसके परमेश्वर के संदेश को हमें देने के लिए सो टुडेस मेडिटेशन इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 वर्सेस 46 टू 49 और इसलिए आज की सुबह के मनन के लिए जो वचन हमने लिया है वो है लूका रची सुसमाचार उसका 24वा अध्याय चालीस वचन से लेकर के छियालीसवे वचन तक नो no, नो no, नो no, फोर्टी सिक्स टू फोर्टी नाइन क्षमा करिएगा छियालीसवे वचन से लेकर के उनचालीस वचन तक सो लिसन टू गॉड्स वर्ड दिस फोर वर्सेस एज पास्टर महेंद्र रीड और आइए जैसे मैं इस वचन को पढ़ता हूँ कृपया ध्यान पूर्वक अपनी बाइबलों में आप इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। hmm. लूका रचित सुसमाचार उसका चौबीसवा अध्याय छियालीसवें वचन से और उसने उनसे कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियाँ में मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो आमीन आमीन मे द होली स्पिरिट गाइड आवर थिंकिंग एंड एनलाइटन अस एंड enlarge our understanding और होने दे पवित्र आत्मा हमारी समझ को बड़ा करे हमारे मनों को प्रकाशित करे ताकि हम इस वचन को सीखने और समझने पाएं सो वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन थ्री ग्रेट नेसेसिटीज और इसलिए आज की सुबह हम मनन करेंगे तीन महान आवश्यकताओं के ऊपर नंबर वन पहली बड़ी आवश्यकता नेसेसिटी लेड अपॉन द सेवियर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वो महान आवश्यकता जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहराई गई टू सफर कि वो सताया जाए एंड टू राइज फ्रॉम द डेड और फिर से मरे हुओं में से जी उठे सो लेट अस कंसीडर फोर थिंग

recent और ये वो पहला कारण नहीं है but the real need for his suffering was to make a full and complete atonement for the sin of a guilty soul लेकिन उसका सत्य का कारण कि उसने जो दुख उठाया वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह अपने दुख उठाए जाने के द्वारा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे। नंबर टू दूसरा कारण टू एक्सिबिट अट पैटर्न ऑफेंस इन दिटस्ट ऑफ सफरिंग और वो उसने दुख उठाए इसलिए ताकि उन दुखों और सताव के बीच में वो एक सिद्ध उदाहरण स्थापित कर सके धीरज का ऑल दैट इज एक्सलेंट और ये सारी बातें अच्छी हैं एक्सेलेंट इन मैन can be exhibited only in such और वो सारी बातें जो एक मानव में अच्छी हैं वो ऐसी ही परिस्थितियों में दिखाई जा सकती हैं। How do you handle your suffering? आप कैसे अपने दुखों का सामना करते हैं How do you take the inconveniences that comes into our life? तो आप कैसे उन दुखों को उन आ, अनुकूल परिस्थितियों को सामना करते हैं जो जीवन में आती हैं? How do you handle sorrows and griefs? और कैसे आप दुख और शोकों का सामना करते हैं देर आर सर्टन क्वालिटी लेकिन कुछ ऐसी गुण है जो तभी सामने आएंगे जब आप इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर के रिवील दर्सन यू आर वो इस बात को प्रकट करते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व है एंड थर्डली और तीसरी बात इट वॉज ऑल्सो इन ए सेंस टू डिग्निफाई दॉवर्टी एंड सफरिंग और वो एक रीति से ये भी दर्शाते थे कि कैसे वो गरीबी और वो निचला स्तर वो दर्शाते थे पॉवर्टी एंड सफरिंग टू कॉज एनी टू लुक डाउन ऑन वन सेल्फ और गरीबी या निर्धनता और दुख किसी को नीचा आंकने का कोई कारण नहीं होने Because चाहिए क्योंकि आप गरीब हैं एंड यू हैव नो डिनर टू और आपके पास खाना रात का खाना नहीं है आर नो रीजन फॉर यू टू लुक डाउन ऑन यूर ऐसे ये कारण नहीं है कि आप अपने आप को निचले स्तर पर इन द मिडस्ट ऑफ इवन पॉवर्टी लेकिन ऐसी गरीबी के बीच में भी यू कैन होल्ड अप अपन डिग्निटी आप अपने आदर और सम्मान को उस गरीबी के बीच में भी बनाए रख सकते हैं पर लिखा है कि ये उस मार्ग को जो गरीबी का है उसको आदर तक ले जाएंगी वो लुक डाउन ऑन सेल्फ और इसलिए ये दुख एक को अपने ऊपर या अपने आप को नीचे आखने का कारण नहीं होने चाहिए on the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर सफरिंग क्राइस्ट presence मेड Pilate and Herod, very uncomfortable. कि ये दुख उठाने वाले मसीहा यीशु ने उस हेरोड राजा और पिलातुस को बड़ा व्याकुल कर दिया And then fourthly, और चौथी बात इट might दैट ही माइट नो हाउ टू सिंपथाइज विथ people पीपल हु वो इसलिए भी था कि वो अपने लोगों के संग खुद को आके और जाने कि कैसे उसके लोग दुख उठाते हैं और सताए जाएंगे Hebrews, और अगर आप इब्रानियों की पत्री की ओर या पुस्तक की ओर अपने बाइबलों को खोले चौथा अध्याय फिफ्टीन और पंद्रवा वचन रीड हम इस वचन को वहां पर पढ़ते हैं

Of a triumph and joy. Triumph and joy, that's what we hear in heaven as Jesus arrived there. after all he went through और उसी प्रकार की जयवंत तो और आनंद को हम देखते हैं स्वर्ग में जब वो प्रकट हुआ और प्रवेश किया स्वर्ग में इन सारे दुखों को उठाने और उस सारी बातों के पश्चात i specifically want you to read psalm number 24. और मैं चाहता हूं कि खास रीति से आप भजन संहिता उसका 24वां भजन जरूर पढ़े। you must read it today और आज की रात ही क्षमा करिए आज के दिन ही आप इसे पढ़िए आफ्टर दिस मेडिटेशन और अगर संभव हो तो इस मनन के पश्चात भजन संहिता चौबीस आप जरूर पढ़िए मोर देन और चार पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा The ascension of Jesus Christ. और वो भजन बात करता है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के विषय में और उन सारी बातों को दुख उठाने और सताए जाने के पश्चात और वो शर्मदार कर देने वाली बातें और वो कष्ट और दुख पहुंचाने वाली बातें और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं Which was slain. और योग्य हैव अ मेमना जिसने अपना बलिदान दिया और जिसका लहू बहाया गया और इसी कारण वर्ष हम इस मेमने के सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं it all for your sake and for my और उसने सारी बातों को दुख उठाया सताया गया आपके और मेरे खातिर क्या हम उसे उस स्थान से कुछ नीचा wow. उसके संग व्यवहार करें और अपने अरादनाओं में उसका नाम ऊंचा उठाएट इज द फर्स्ट थिंग और ये वो पहली बात कि वो महान आवश्यकता जो को सौंपी गई। And rise again from the dead. वो उठाए और फिर मरे हुए से जी उठे। और जो दूसरी मुख्य आवश्यकता थी नेसेसिटी टू राइस अगेन वो आवश्यकता की वो फिर से जी उठेर फोर थिंग और इस बात में भी चार और बातें व्हाट ही माई शो नंबर वन व्हाट ही माई शो रिडम्शन प्राइस ही ताकि वो इस बात को दिखा सके की किस प्रकार से उसने छुटकारे का दाम चुकाया है वो दाम था उसका अपना Was sufficient and acceptable. एंड उसका अपना लहु पर्याप्त था और परमेश्वर पिता के द्वारा ग्रहण योग्य था. And secondly, दूसरी बात that he might शो दैट ही had triumphed.

उनका पहलौटा फल ठहरे जो मरे हुओं में से फिर जी उठेंगे When he died, जब उसकी मृत्यु हुई माइ डेथ वो मेरी मृत्यु थी हाल लुया हाल लुयान हिस लाइफ ताकि उसके जीवन में आई माइट लिफ मैं जीने पाऊं एंड फोर्थली चौथी बात दैट ही माइट एस्टैब्लिश हिज पोजिशन एंड ऑफिस एज किंग ऑफ सेन्स और अपने उस कार्य अपनी उस उपाधि को स्थापित कर सके की वो सारे संतों का राजा और इस स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है किस And Lord of all और इसके द्वारा वो सारे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और, और सारी आराधना स्तुति के योग्य सारे आदर के योग्य और वो फिर से आ रहा है to take you me to be with him ताकि वो आप और मुझे फिर से अपने संग ले जाए कि हम उसके संग होने पाए हिम और उसके संग वि हम फिर से राज्य करेंगे परमेश्वर को सारा महिमा मिले हमारे आशीषित धन्य परमेश्वर और आज की सुबह हम तेरे समूह अपने सरों को झुकाते हैं ताकि हम अपना सारा आदर सारा स्तुति सारा प्रशंसा आप ही को देते हैं May we live such life that दमेजिंग होने दे हम ऐसे जीवनों को जीने पाए जो तेरे अद्भुत जीवन और सामर्थ को हमारे जीवनों से दिखाए जी यु के नाम में आमेन दिस इज अ ग्रेट डे प्रिय मित्रों एक ये महान दिन है लिव बाय द दूथ ऑफ व्हाट यू वर्ड टुडे। आप जिये उस सत्य के द्वारा जो आज की सुबह आपने सुना लेने दे उसका नाम धन्य कहलाएनेस आप एक गवाह है Amen. Amen. Amen.